शगन मुबारक हो। मेरा लाग बस 100। कल 1000 दूंगी बस। एक मगरिब की अजान और। जी बहुत शुक्रिया मेयर साहब। कोई लड़की आपसे मिलने के लिए आई है। कौन है जो दिन चढ़े ही आ गई है? अपने गांव की है, नाम तो बताती नहीं। कहती है मेयर साहब देखेंगे तो पहचान लेंगे। या फिर बुला ला उसे। जी मुझे इधर। हाँ निकलो। सलाम मेयर साहब। यकूब परचून फरोश की बेटी है ना तू, है ना? जी। आ जा बैठ जा। फतेह मोहम्मद ने मुझे तेरा कभी बताया नहीं। फतेह मोहम्मद जो मर गया ना कि? हाँ अल्लाह बख्शे फतेह मोहम्मद को। वो मुझे बताया करता था कि गांव में कौन सोनी है कौन सोनी नहीं। बाजार पे देखा था तुझे रखी के साथ। क्या लगती है वो तेरी? मामे की थी ये। तो तू मेरे ससुराल से आई है? हाँ? नहीं मैं अपने कार से आई। वो कम कार है? वो मैंने कहना था सोनी तो मैं भी बड़ी। अगे हुक्म कर। वो रखी वाला व्यापार मेरे साथ नहीं हो सकता। मतलब शौकत अली को रिहाई मिल जाए तो मैं तैयार। ना कि किस बात के लिए तैयार है तू? चाहे निकाह कर लो चाहे हवेली में रख लो। पर शौकत अली को तो रिहाई मिलने वाली है। उसके माफीनामे पे दस्तखत कर दिए मैंने। वो तो ठीक है पर हाँ पर रखी को मुंह से आखिरी निकालती। हाँ नहीं निकालती। उससे ज्यादा सोनी भी नहीं। उनके बात कर उसे भी रिहा कर। काम काम हुई मेरी को वोटिंग आने की क्या जरूरत?
न सुनेगी न बोलेगी, आपके किसका होगी? उस बदशकले से बड़ा प्यार करती है वो, आपके पास बैठेगी, उसे याद करेगी। फैदा, कल तो तेरी भी बड़ी नाजुक है। जुत्ती नहीं बन सकती इसकी। सोचते हैं निकाह के बाद, बल्कि रुखसती के बाद। वैसे आकृति तो गई है मेरी तुझ पे, पर रखी अपने पास ही रखनी है मैंने, बुलबुल की तरह पिंजरे में बंद करके। तू कहती है तो तेरा भी खर्चा पानी लगा देता हूं मैं, बोल कितने पैसे चाहिए। ऐसे नहीं मेहर साहब, पैसे अगर चाहिए तो मुझसे ले, 4-5 लाख जोगी तो हूं मैं। इरादा बदलो, रखी की जगह मुझे रख। ओए नाकी, कहा ना कि तेरी बात मान ली है मैंने, बस निकाह हो जाए। रखी हवेली में आके नाकी अपना कमरा सांभ ले, तो तू और मैं दोनों लंबी दौड़ पे निकल जाएंगे। वो क्या हुआ? बात तो आपने फिर नहीं मानी मेरे साथ। रखी तो फिर बीच खड़ी रहेगी, और रखी बीच खड़ी रहेगी तो ना मैं आपकी तरफ आ सकती और ना आप मेरी तरफ। तो ना कि सौदा खत्म? सौदा बनिया ही नहीं। इस तरह नहीं मेहर साहब, निकाह में वोटी बोतल तो शायद दोनों हाथों से पकड़ लें। चल थोड़ी देर बैठ जा, ना कि बैठ के सोचते हैं। आप बैठ के सोच रहे, मगरिब होने में भी बड़ा टाइम पड़ा। सौदा समझ में आ जाए तो निकाह का जोड़ा मुझे भेज दे, मिनट में पहन लूंगी, जहां कहोगे आ जाओगे। ओए फिटे मुंह फतेह मंदा तेरा, और तूने मुझे इसका बताया क्यों नहीं? ओए तुमने 3 दिन से खाना नहीं खाया? भूख नहीं लगी मुझे। तुम जाओ, जाके डॉक्टर साहब को बुला के लाओ। यस सर।
अंबरदार साहब, आप फरियाद अली साहब को साथ ले जाकर लड़की से इजाजत लेकर आए। पुत्र अल्लाह रखी, महर सुरखाब अली वल्द सोहराब अली के साथ तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, तुम्हें कबूल है? बोल अल्लाह रखी, बोल। मेरी तरफ से हाँ है, हाँ है, हाँ है, हाँ है। चल। रियाई, यकीन नहीं आता ना। आजा, सचमुच तेरी रिहाई हो गई है। रिहाई तो आपके कागजों में भी है जनाब। मेरे कागजों में तो फांसी हो गई है मुझे। तुम खुश क्यों नहीं हो? तुम्हारा झगड़ा तो खत्म हो गया, माफ कर दिया उन्होंने तुम्हें। आपसे दोबारा मुलाकात हुई तो बताऊंगा आपको इस फांसी को टालने के लिए कितनी फांसी हुई है। रखी कहाँ है? अंदर कमरे में। नाकी मेर साहब आओ बैठो। बैठने नहीं आया ना कि खबर देने आया। आज मैं ले जाना है तुझे। आज शौकत अली रिहा हो गया है। टाइम बता। टाइम आपका मेरे साथ, चाहो तो अभी बांह पकड़ के ले जाओ।
टाइम सोच कर आया हूँ, ना कि रात को 11 बजे। मगरिब के बाद नहीं? नहीं, गड्डी रात 11 बजे पहुंचेगी। उधर वो स्टेशन पर पैर रखेगा, इधर तो डोली में बैठेगी। ना कि मंजूर? हाजरा, दुआ कबूल हो गई है। शौकत अली रिहा हो गए? हाँ।
वापस चला जा और यहां से जाते ही ये भूल जा कि कनकपुर गांव से तेरा कभी कोई ताल्लुक था। मैंने ट्रेन से उतरते ही पहचान लिया था कि कोई मुझे लेने नहीं आया। सब वापस भेजने आए हैं मुझे। मैं चला जाऊंगा मौलवी साहब, पर आज की रात मैं अपने पिंड में रुकना चाहता हूं, अपनी हर चीज से मिलना चाहता हूं। तू रखी से नहीं मिल सकता। मैंने कहा है मौलवी साहब, मैं अपनी हर चीज से मिलना चाहता हूं। और मेरी चीजों में अब रखी का नाम नहीं आता। क्या कर रही हो? आपके सिर पे पैर रखती है, ये बेद भी काफी नहीं है, जुत्ती नहीं रख सकती। चाची, शौकत अली, मेरा पुत्र, मेरी रखी चली गई। शौकत अली, मेरी रखी चली गई। तेरी नहीं, मेरी रखी चली गई। तेरी रही ना मेरी। Oh.
नथली कहाँ है मेरी? हाजरा को दे गई। खुद सोने की पहन ली होगी। सोने में बड़ी खिंच होती है चाची। तेरे व्यापार में बिक गई है वो। मुझसे पूछ, मैंने उसकी डोली उठती देखी है। पर डोली नहीं थी वो। रब की कसम, जनाजा था उसका। झूठ ना बोल चाची। शोधी नाम मेरा लेके मौत से आप डर गई है। किसी ने कह दिया होगा कि मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। याद रख शौकत अली, अगर आज तू जिंदा है ना तो सिर्फ उसकी वजह से। बस जिंदा हूं मैं। देख गौर फरमा दास, अल्लाह को जान देनी है तो सच बोल। चार बातें कर लेने से तो ये समझती है कि जिंदा हूं मैं। मौत को देख के ना पहचान, महसूस कर, महसूस करके बता। जान निकल नहीं गई मेरी। दफनाना जरूरी है पर कोई यह ना समझे शौकत अली मरिया नहीं। कोई कसर बाकी है तो चल दफना आगे वो भी रसम पूरी कर ले। गांव छट के चला जा। क्यों? यहां रहेगा तो थोड़ा रहेगा। तड़फाई लग गई है तो तड़फ रहने दे मुझे। नसीबा सड़िया तू पुत्र है मेरा। पुत्र है मेरा। अपनी उम्र वेख और अपने झूठ वेख। दर्द छोड़दा ना पी सिगरेट। पीऊंगा, एक के दस पीऊंगा। कौन रोकेगा मुझे? कुसा थूक दे। अल्लाह की कसम
मेरे सामने आए तो थूक दूं। जा रखिए थू है तेरे मुंह पर। उस दिन तू आगे लग के कितना दौड़ी थी हाँ? लगता था कि कभी हाथी नहीं आएगी मेरे, ना कि आज तू जरा फड़फड़ाई है, हाथ पैर मारे हैं, ना ही आगे लग के दौड़ी है। आज तो तुझे बचाने वाला भी स्टेशन तक पहुंच गया था। हाँ, कोई दिल की बात है जो तूने मुझसे करनी है? बोल। शौकत अली का जिक्र छेड़ू तो बात करेगी। देखने को दिल करता है, करता है दिल, रहने दे उसे वहां, बाहर आएगा तो मिल लेना। अभी गुस्से में है। थली उतार के मेरी तली पे रख दे। रखी ने कसम दी थी तो पहन ली, मेरा इरादा नहीं था शौकत अली, क्या बात है मौलवी साहब, जब तक मैं गांव छोड़ के नहीं जाऊंगा मेरा पैरा देते रहोगे? ये सब लोग बेवकूफा तेरी शक्ल देखने के लिए आए हुए हैं, उन्हें यकीन नहीं आता कि तू वही है जिसकी मैयत का इंतजार हो रहा था। क्या देखा, मैयत नहीं आई मेरी?
इस गांव में किसी को पता ही नहीं है कि मैयत क्या होती है। सिर्फ जनाजे में रखे हुए मुर्दे को मैयत कहते हो तुम लोग। वो सो गई है मेहर सुरखाब के साथ। अब तुम सब लोग भी सो जाओ। आप भी जाओ मौलवी साहब। आज नींदर बेनींदर सोकर गुजारने की रात है। जाओ। बिस्मिल्लाह। सोचिया के वेख कर आऊं मेरी जान को नींद आई है या नहीं। उसकी सुना, उसको नींद आई कि नहीं? जालम साई रात नहीं सोई। मैं तो दरवाजे की खड़ाक से उठी। तू बड़ी सख्त जान है बही। उफ। वो भी बड़ी सख्त जान है कि नहीं? ना, नहीं। मोम कितना पिघल गई है। मोम की तरह सख्त जान कोई नहीं होता मेहर साहब। पिघल भी जाए तो मोम का मोम ही रहता है। जाग रही है तो समझो नहीं पिघली। जाग नहीं रही ना कि सारी रात जगाया है उसे। याद कर पहली रात तुझे भी तो सारी रात जगाया था। हंस क्यों रही है? हाँ बोल, हंस क्यों रही है? पहली रात ही जगाने का टूना करते हो मेरे साहब, फिर अगले को सारी जिंदगी जागना ही पड़ता है। एक जगह और भी जाना चाहिए आपको, शौकत अली के पास। उसको भी जाके सुनाओ रखी के साथ बीती हुई रात की कहानी। सारी रात गांव में गुजारी है उसने, हो सकता है कहानी सुने तो चला जाए। और उसके लिए इतना ही बात है कि कल रात की सवेर हो गई है, गुजरी रात की कहानी वो आप बना लेगा। उसकी फूफी की बेटी देखी है तूने? गांव वाले बड़े सियाने हो गए हैं, सोनी कुड़ियां लुका के रखते हैं मुझसे। या फिर शायद रखी को तकते तकते किसी और पर मेरी नजर ही नहीं पड़ी। निकाह वाले दिन आई थी मेरे पास, कहने लगी रखी कोई मुझसे ज्यादा सोनी है, मुंह से आग निकालती है। और कभी मिली है उससे? बोल, कभी मिली है तू उससे? हाँ। उससे फिर मिले ना तो उससे कहना रखी मुंह से आग नहीं निकालती। में भी आएगी ना? आऊंगी। बड़ा इंतजार रहेगा तेरा। रखी, रखी ठीक है ना? रखी तो अब हवेली की मालकन है,
ठीक ठाक है, चंगी पली है, खुशबाश है। अब मैं जाऊं? सचमुच आएगी ना? आऊंगी। तेरी फूफी की बेटी का नाम क्या है? हाजरा। तेरे निकाह वाले दिन वो मेहर साहब से क्यों मिलने गई थी? वो गई थी। सुनिया तो यही है। किसने बताया आपको? मेहर साहब ने। शिकारी ने अगला शिकार ढूंढ लिया है। मेरे साथ बस रात ही गुजारनी थी। तेरी जिद तोड़नी थी, टूट गई। चलो, सीधी टूटी कम तो है। हाजरा की कोई फिक्र नहीं तुझे? मुझे तत्ती को तो अपनी फिक्र नहीं रही, फिर उस शिकार की फिक्र क्यों करूंगी जिसने आप शिकारी ढूंढ लिए। फिर भी मिलूंगी तो पूछूंगी उससे, पर पूछूंगी क्या? मिले तो मुंह पर चपेड़ मारना उसके। मुंह ही काला कराना था तो कहीं और जाके कराए। मैं तो आते हुए शौकत अली की नथली भी उतार के दे आई थी उसे, और क्या आई थी? शौकत अली आज से तेरा। हैरत की बात है, इस कमरे के ऊपर कमरा भी कोई नहीं है। मेरा दिल नहीं मानता। दिल तो मेरा भी नहीं मानता, पर सवाल ये है कि वैन तेरे निकाह वाले दिन मेहर साहब से मिलने क्यों गई थी? कल बुली में पर आएगी तो गुत से पकड़ लूंगी उसे। ना, जिंदगी पर एक बात याद रखना, जिस पर मेहर साहब का दिल आ जाए उसकी गुत कभी ना पकड़ना। याद कर, मैंने कोई गुत पकड़ी थी तेरी? मैं कभी मिलने गई थी उनको? ना कर रखी, शर्तें तेरी माँ ने जाकर नहीं रखी थी। माँ तो सुने बाहर बैठी रही थी। मामी पूछ रही थी तेरा। मैंने कह दिया शौकत अली का नाश्ता आज मेरी तरफ से। शौकत अली, शौकत अली, कौन? मैं रखी। आ जाओ। एक तरीका है मेरे पास। तरीका? Thank you.
मेहर साहब का रास्ता रोकने का, हाजरा को बचाने का। बोल। शौकत अली को जाने से रोको। शौकत अली क्या करेगा? वो हाजरा से ब्याह कर ले। ये तो हाजरा को रोकने का तरीका है, मेहर साहब को रोकने का तरीका बताओ। फिर शौकत अली आप रोक लेगा मेहर साहब को? अभी तुझे आए हुए एक दिन भी पूरा नहीं हुआ, चार छह दिन गुजरेंगे तो मेरी तरह समझ आ जाएगी तुझे। क्या समझ आ जाएगी? यही कि जब मेहर साहब ठान लेते हैं तो उन्हें रोका नहीं जाता, चाहे पूरा गांव सामने खड़ा हो जाए। मैं सुनिया कि शौकत अली बड़ा गैरतमंद है। पर मेहर साहब बड़े दौलतमंद, और अगर गैरत ज्यादा भी हो तो दौलत के आगे कम पड़ जाती है। अब कोई यासीन बाकी नहीं रहेगी सुरैया बीबी, जिसने बेचा जाने। तेरा मतलब है कि शौकत अली फिर जेल चला जाए? तो फिर गौर कर, अब कोई रखी भी नहीं है जिसके प्यार से फांसी टल जाए। मैं फिर भी शौकत अली को सनिया भेज के बुला लेती हूँ। एक बारी शौकत अली को जाने से रोको, होनी हो जाए, अनहोनी ना होने तो। मेरा तो ख्याल था कि सुबह उठ के तो सबसे पहले हाजरा से मिलने जाएगी। किस लिए? उसे मना करने के लिए, ये कहने के लिए कि वलीमे पर ना आने दो उसे। जो तमगा उसने मत्थे पे सजाना है सजा ले। एक बार पास बिठा कर पूछ तो सही, क्या है उसके दिल में? जिसके दिल में बेईमानी हो उससे क्या पूछना। कल फिर शौकत अली को अपने लिए रोक रही थी। आपसे इस बात की उम्मीद नहीं थी मुझे। कल इस तरह की बात आपकी आंखों में पड़ी, आज आपके मुंह से सुन ली। बड़ा दुख हुआ सुरैया बीबी। एक दिन तूने मुझे गौर से देखकर अपने दोस्तों से कहा था कि मेरी आंखों में कुछ दिखाई देता है। बता मुझे क्या दिखाई देता है? हासना नादर हुसैन, जब से मेहर मुझ पे हंसा है मुझे हंसने वालों से नफरत हो गई है। हंसया मैं इसलिए हूं शौकत अली कि आज मैंने तेरी आंखों में एक नई चीज देखी, नई भी और ड्रोनी भी। ड्रोनी? देख शौकत अली, नजर को मिंट लगता है पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाती, पर
पैरों को बहुत टाइम लगता है पहाड़ पे चढ़ने की। दुनिया में जितने भी बड़े काम हैं, वो नजर की मेहरबानी से नहीं, पैरों की हिम्मत से होते हैं। इसलिए नजर नीवी रख के पैरों की हिम्मत को महसूस कर, फिर फैसला कर। गड्डी चलानी सीखनी है मैंने। गड्डी? बगैर गड्डी के? हाँ, सीखने तक बगैर गड्डी के। सीख लूंगा तो प्राडो खरीदूंगा। मतलब? अगली बार जब गांव जाऊंगा तो अपनी प्राडो पे जाऊंगा, महर की हवेली के सामने खड़ी करके हारन मारूंगा। यही सोच के आया हूं मैं। प्राडो की कीमत का पता है? मेरे गुस्से से थोड़ी अनादर हुसैन। आ गई है।